नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। स्मृति ईरानी मोदी सरकार के कद्दावर नेताओं में से, उन्होंने अनेक बार खुद को केंद्रीय मंत्री के इस पद पर साबित किया है। जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उन्होंने उसको बखूबी निभाया और अपनी इसी लगन के बल पर उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की अमेठी सीट को उनसे छीन लिया और खुद अपना कब्जा जमा लिया। अमेठी की जनता स्मृति दीदी के काम से प्रभावित थी, तभी तो उन्होंने सालों से कब्जाई कांग्रेस की सीट को अपने पाले में ले लिया और बन गई अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी। अब अमेठी की जिम्मेदारी ली है तो फिर उसे अच्छे से निभाना भी होगा और सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अमेठी के लोगों की सेवा करने की हकदार है। दरअसल बुधवार को अमेठी के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो ट्रेनी पीसीएस का कॉलर पकड़कर उसे घसीट रहे थे। ऐसे में आरोपी डीएम प्रशांत शर्मा पर तत्काल एक्शन लेते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें प्रतीक्षारत करते हुए उनकी जगह मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन अरुण कुमार को डीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल अमेठी में व्यापारी सोनू सिंह की हत्या के बाद बुधवार को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिवार से डीएम प्रशांत शर्मा ने अभद्रता की थी, क्योंकि पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप मृतक के परिवार ने पुलिस पर लगाया था और परिजन बुधवार को प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशांत शर्मा प्रदर्शन खत्म कराने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचकर मृतक के परिवार पर ही भड़क गए। चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम कोई भगवान तो नहीं है जो मर्डर को रोक लेते। और इसी बीच डीएम ने मृतक के भाई और ट्रेनी पीसीएस सुनील सिंह का कॉलर पकड़ा और उसे खींचा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस पर स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया था, लिखा था, विनयशील एवं संवेदनशील बने, हमें यही प्रयास करना चाहिए, जनता के हम सेवक हैं, शासक नहीं। इस पर डीएम ने सफाई के तौर पर सुनील सिंह का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया था, जिसमें सुनील डीएम की किसी तरह के बदसुलूकी से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ था वो एडिटेड है। हालांकि लोगों ने डीएम के इस वीडियो पर भी विश्वास नहीं किया और सुनील सिंह का दबाव में आकर दिया गया बयान बताया। बता दें कि डीएम की अभद्रता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों ने डीएम की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। मृतक के भाई के प्रति डीएम के व्यवहार को देख लोग भड़के भी थे, लेकिन डीएम प्रशांत शर्मा अपनी वर्दी का, अपने पद का रौब झाड़ते दिखाई दे रहे थे। इसी पर एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने डीएम प्रशांत कुमार का ट्रांसफर कर उनकी जगह पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन अरुण कुमार को डीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रशांत शर्मा को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। बता दें, पूरा मामला अमेठी की गौरीगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के बिसुनदासपुर गांव का है। यहां बवाल इतना बढ़ता चला गया कि पहले तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस पर भी जब डीएम साहब अपनी सफाई देते देखे गए तो योगी सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बताने की कोशिश की कि यहां पर सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही काम होता है और अगर जनता की भलाई करने वाले डीएम ही इस तरह से न्याय करेंगे तो बाकी सभी लोगों का तो राज्य में रह पाना मुश्किल हो जाएगा।